हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। क्या होते हैं प्रपोजिशंस और प्रपोजिशंस का यूज़ कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर प्रपोजिशन की डेफिनेशन की, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रपोजिशन को। तो हम कहेंगे अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show in what relation the person or things denoted by it stands in regards to something else. Preposition वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान location की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, वो preposition कहे जाते हैं। ठीक है, और अगर आगे मैं और इसी बात को बढ़ाऊँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन प्रोनाउन और जीरंड टू अदर वर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब प्रपोजिशंस को मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, प्रपोजिशंस आर वर्ड दैट टेल यू हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, दे कैन बी कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड हमने पहले ही बोल दिया आपको, कितने में करूँगी मैं उसे, तीन कैटेगरी बना दी मैंने उसकी। एक क्या बनाया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं प्लेस में, देखिए आप इन द वाटर, ऑन अ बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन टू बॉयज एट्सेट्रा। ये हम इस तरीके की एग्जाम्पल हम प्लेस में ले सकते हैं। ठीक है, ये स्थान बता रहे हैं सब। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इन द इवनिंग, एट नाइट, एट 7 o'clock, ऑन फ्राइडे, ऑन टाइम, सिंस 2008। इस तरीके के प्रपोजिशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इनका यूज़ करना भी सिखाऊंगी, किस में कैसा यूज़ हो रहा है। अब आप देखिए आगे, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अलोंग द रोड, अक्रॉस द रिवर, इनटू अ वेल, थ्रो द फील्ड, ये एग्जाम्पल हो गए आपके मूवमेंट के। ठीक है, आप देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ सम प्रपोजिशंस। अब सबसे पहले देखते हैं प्लेस वाले। ठीक है, इन और एट का प्रयोग आप लोग सब जानते हैं, इन और एट को कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। आप लोग क्या जानते हैं कि इन और एट का मीनिंग क्या होता है, हम मैं के अर्थ में लेते हैं ना दोनों को, कैसे हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, तो इन कहाँ यूज़ होता है, देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ इनका प्रयोग होता है, जबकि छोटे शहरों, कस्बों, गांवों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, अमेरिका बहुत बड़ा देश है तो हमने इनका यूज़ किया है। दे लिव इन मुंबई, मुंबई बड़ा शहर है तो इनका यूज़ किया है। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, अब एट का यूज़ किया हमने पोरबंदर में, यानी पोरबंदर छोटी जगह है तो एट, और गुजरात बड़ी जगह है तो इन। क्लियर, सॉरी, इन और एट दोनों का ही प्रयोग होता है मैं के लिए, लेकिन जब हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, कस्बों की बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, उसमें एट लगाएंगे, और बड़े शहर, बड़े देश, बड़ा प्रदेश की बात हो रही है तो फिर आप उसमें इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इन और एट का यूज़। आगे चलते हैं, अब टाइम के लिए इन और एट का कैसे यूज़ होता है, अभी हमने पहले प्लेस के लिए देखा, अब टाइम के लिए देखिए, इनका प्रयोग समय के किसी भाग यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तथा एट का प्रयोग एक निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours, ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours,
वो इस स्थान को छोड़ देगा 3 घंटे में। ठीक है, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया उन्होंने 3 घंटे में। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, वो प्लेस को छोड़ देगा, उसने प्लेस छोड़ दिया कब, 10 बजे। तो ये बिल्कुल हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम तो हम इन लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम एट लगाएंगे। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो रहा है इन और एट का यूज़। अब देखिए इन और इन टू का यूज़। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और इन टू का प्रयोग गति के लिए होता है। गति मतलब मोशन, ठीक है, स्थिरता मतलब बिल्कुल रुका हुआ है। ही इज़ इन द हाउस, वो कहाँ है, घर के अंदर है, घर में स्थिरता है, रुका हुआ है। ही जम्प्ड इन टू द वेल, वो कुएं में कूद गया, कुएं के अंदर कूद गया, बाहर से अंदर जंप किया उसने, तो ये इसमें गतिशीलता आ गई। ठीक है, इस तरीके से इन और इन टू का यूज़ होता है। आगे देखिए ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्थिरता के लिए होता है ना। और क्या बताता है, ये समीप का संबंध बताता है, यानी नियरनेस बताता है, बिल्कुल कोई चीज़ बिल्कुल पास में है ना। और जो है जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, अब जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है ना, बिल्कुल टच कर रही है ना उससे, बिल्कुल समीप है उसके, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। और अपॉन का यूज़ कैसे करते हैं, गति के लिए होता है, जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी वो टेबल के ऊपर से कूद गया। ठीक है, अब ये ऑन और अपॉन दोनों का ही मतलब ऊपर होता है ना, लेकिन ऑन का यूज़ कैसे करते हैं हम, ये हम करते हैं तब जब जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी हो, है ना, स्थिरता हो बिल्कुल, और अपॉन का जब वहाँ पर मोशन हो, गति हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑन और अपॉन का यूज़ होता है। क्लियर, आगे चलिए इन और विद इन का यूज़। देखिए समय की दृष्टि से इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ, यानी समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग कब हुआ, जब बिल्कुल समय की समाप्ति होने वाली है, ख़त्म होने वाला है, समय की समाप्ति पर, इस अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, इसका अर्थ है एक महीने के अंत तक। ठीक है, मतलब वो एक महीने के अंत तक, बिल्कुल महीना ख़त्म होने वाला होगा, उससे ही थोड़ी देर पहले आए लेकिन वो आ जाएगा, ठीक है, वापस आ जाएगा। और विद इन, विद इन का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, इसका अर्थ है समय की समाप्ति से पहले, यानी समय की समाप्ति के बिल्कुल निक ऑफ टाइम पे आया, तो एट द एंड ऑफ टाइम, है ना। जैसे मैं कहूँ कि वो शाम को 10 बजे तक आ जाएगा, और मान लो 9:58 पर भी आ गया, तो मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा, इन आ जाएगा। ठीक है, राइट, यहाँ पर बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम हो गया। और विद इन का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ है जैसे मान लो 10 बजे तक कहा और वो 9 बजे ही आ गया, 8 बजे ही आ गया, यानी समय की समाप्ति से काफ़ी पहले आ गया। विद इन का यूज़ तब होता है। ठीक है, तो विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ, यानी समय की समाप्ति से पहले। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, यानी एक महीने के अंदर अंदर वो लौट आएगा। अब वो एक महीने के अंदर हो सकता है वो 20 दिन में आए, 15 दिन में ही आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया इन और विद इन का यूज़। आफ्टर और इन का यूज़। अब आफ्टर और इन, अगर मैं टाइम के लिए देखूँ इनको, तो आफ्टर का जो यूज़ है ना वो पास्ट में होता है, भूतकाल में, और इन का यूज़ होता है फ्यूचर में, यानी भविष्यकाल में, समय के लिए, आफ्टर और इन का। योर सन केम आफ्टर अ मंथ, अब देखिए ये पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है, तुम्हारा जो पुत्र है वो एक महीने के बाद आया। माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिताजी एक महीने में आएंगे। तो हम आफ्टर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम पास्ट में करेंगे, और इन का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करेंगे, समय
बताने के लिए कि एक महीने में आया या एक महीने में आएगा, दोनों में अंतर है। एक महीने में आया तो हम आफ्टर लगाएंगे पास्ट के लिए, और एक महीने में आएगा तो हम इन लगाएंगे फ्यूचर के लिए। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं अब टू का यूज़। टू गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ जो है क्या निकालते हैं हम, को तक, ये हम उसका अर्थ निकालते हैं। गतिशील अवस्था मतलब मोशन हो रहा है। आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज गया। अब ये गतिशीलता हो रही है, जा रहा है इसमें, इसलिए टू का हमने यूज़ कर दिया। मैं कॉलेज को जाता हूँ, मैं कॉलेज तक जाता हूँ, ये मतलब निकालिए आप इसका। आई शेल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। मैं घर पर होऊंगा 9 बजे से 11 बजे तक, वो ये कह रहा है। तो हमने टू का अर्थ यहाँ पे को या तक लगाया, ठीक है, ये टू का यूज़ ऐसे किया। विद और बाय का प्रयोग। विद किसी इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है, और बाय किसी कार्य करने वाले एजेंट या डूअर के लिए आता है। अब कार्य करने वाला कोई ना कोई डूअर तो होगा, डूअर मतलब काम करने वाला कोई व्यक्ति तो होगा, है ना। तो बाय का यूज़ करते हैं हम किसी डूअर के लिए, कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा उसके लिए, और विद का हम लगाते हैं किसी यंत्र के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज किल्ड बाय अ रॉबर विद अ गन। अब देखिए यहाँ पर बाय लगाया हमने, किल्ड बाय अ रॉबर। अब रॉबर क्या है, यहाँ डूअर है, काम करने वाला है, कोई एजेंट है, और गन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो रॉबर से पहले हमने बाय लगाया और गन से पहले हमने विद लगाया, ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल। शी रोट अ लेटर विद हर पेन। अब इसने विद लगाया है पेन के लिए, है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट है पेन, इसलिए लगाया। रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो रावण को जो है राम ने मार दिया। यहाँ पर आर कैपिटल होना चाहिए था बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग अपने में आर कैपिटल ही लिखना, राम का आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। किल्ड बाय राम, तो समझ में आया विद और बाय का यूज़। अच्छा, बाय के कुछ और यूज़ भी होते हैं बच्चों, और यूज़ भी देख लेते हैं हम। देखो बाय हम पास के अर्थ में अगर यूज़ करें, ही सेट बाय मी, वो मेरे पास बैठा है, ठीक है। अगर हम तक के लिए करें, आई शेल रिटर्न बाय 3 o'clock। फ्यूचर टेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं तक के लिए, है ना, टिल नहीं लगाते हैं। जब हमने टेंस पढ़ाए थे तब तो आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ अ ब्राह्मण बाय कास्ट। अब से के अर्थ में आ गया, वो कास्ट से ब्राह्मण है, ठीक है। आई स्वेयर बाय गॉड, अब शपथ के लिए आया, बाय गॉड, ठीक है। चलिए बिसाइड्स और बिसाइड। बिसाइड का क्या अर्थ है, बिसाइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ, यानी बिल्कुल नज़दीक, यानी बिल्कुल बगल में, ठीक है। और जबकि बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा भी। योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। तो आपकी जो काव है वो ग्रेज कर रही है कहाँ, मेरी फील्ड के नज़दीक में, बिल्कुल मेरी फील्ड के बगल में। बिसाइड दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक। अब इसमें देखो क्या यूज़ हुआ है, बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त मुझे जो है दूसरी बुक भी चाहिए, है ना, मुझे अदर बुक भी चाहिए। तो क्लियर हुआ बिसाइड और बिसाइड्स का, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान से समझ लीजिए बिसाइड और बिसाइड्स को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिटवीन तथा अमंग का यूज़। बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, और अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, बस दो लोग हैं। हिज फादर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि। उसके पापा ने जो है प्रॉपर्टी को बांटा किसके बीच में, दो बच्चों के बीच में, उनके दो बच्चे थे, उनके दोनों के बीच में, आनंद और रवि के बीच में
बांट दिया, यानी दो ही लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज़, ये जो स्वीट है उसको लड़कों के बीच में बांट दो। अमंग यानी दो से ज़्यादा बच्चे हैं उनके बीच में बांट दो, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, बिटवीन का यूज़ इसमें साफ साफ मैंने लिख के आपको समझा दिया कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, और अमंग का यूज़ जो है दो से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बिटवीन का जो यूज़ है दो से अधिक व्यक्तियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है उसकी एक कंडीशन होती है। ज़रा आप ध्यान से सुनो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। देखो, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के साथ भी तब होता है जब उन सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में आपस में कोई स्थायी संबंध हो या सहयोग का भाव हो, कोई आपस में स्थायी संबंध होना चाहिए, तब ऐसा होता है। कैसे, देखो जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना पाकिस्तान नेपाल एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पर हमारे को बिटवीन वर्ड यूज़ करना है जबकि हमने कितने सारे कंट्रीज़ के नाम ले दिए, क्यों? इन सब के बीच में आपस में संबंध है ना, ये चाइना पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश हम जिनकी बात कर रहे हैं ये सब कैसे हैं, ये जो ये आपस में इन लोगों में इनमें क्या है, स्थायी संबंध है ना, एक सहयोग की भावना है ना, हमारा देश इन सब के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हो सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके होने की। ठीक है ना, उसके होने की कंडीशन है। आप बिटवीन का यूज़ दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या स्थान के लिए तभी कर सकते हैं जब उन सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में आपस में कोई स्थायी संबंध या सहयोग का भाव हो तो। क्लियर आ रही है बात समझ में आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको बिटवीन और अमंग का यूज़। अब देखिए आगे देखते हैं हम फ्रॉम फॉर और सिंस का यूज़। ठीक है, हिंदी में इन तीनों का अर्थ क्या निकालते हैं हम? से। ठीक है, हिंदी में इन सब का अर्थ होता है से। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी समय की अवधि के लिए, ठीक है, और सिंस का यूज़ कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये आपको हमने पढ़ाया भी था जब हमने टेंस पढ़े थे, ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस जब टेंस पढ़ाया था मैंने, तब परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने ये पढ़ा था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। ये तो क्लियर है ना आप सबको? एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट वन वीक, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने फॉर लगाया है। She has been ill since Saturday last. यहाँ पॉइंट कर दिया, सैटरडे बता दिया, तो हमने सिंस लगा दिया। अब बात करते हैं फ्रॉम की। देखो, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर सभी टेंसेज में होता है। और जनरली क्या होता है, साधारणतः इसका प्रयोग टू के साथ होता है। ठीक है, फ्रॉम जब आएगा तो साथ में टू भी आएगा। जैसे ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, यानी वो संडे से लेके थर्सडे तक बीमार थी, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज़ किया है टू के साथ। तो फ्रॉम फॉर और सिंस इनका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ओवर और अबव। देखिए, ओवर और अबव दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऊपर होता है, लेकिन इनके यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप से हो तो ओवर का प्रयोग होता है, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप में ना हो तो अबव का प्रयोग होता है। नहीं आया समझ में? कंफ्यूज हो रहे हो ना? देखो मैं समझाती हूँ। देखिए, हमने क्या कहा, लंब रूप में। देखिए, ये जैसे कोई यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर से कोई एक और वस्तु इसके ऊपर से जा रही है ना, कुछ भी मान लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके कोई वस्तु इसके ऊपर से जा रही है। अब ये क्या है, इस तरीके से अगर इसके ऊपर है तो बिल्कुल लंबवत रूप में है ना, ये है ना, तो इसके लंबवत रूप में, तो वो क्या वो बता रहा है आपको कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप में हो, बिल्कुल लंबी उसी के ऊपर, ये जस्ट इसी के ऊपर आ रही है भाई, ठीक है, इसके ऊपर, ये नीचे है ये इसके ऊपर है, तो ये जो वस्तु है, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस वाली वस्तु के लिए हम यूज़ करेंगे आपका ओवर, ठीक है। और आप देखिए, अब यही यही वस्तु है, अब यहाँ पर अगर
मैं ऐसे करके आपकी क्लाउड बना देती हूँ, है ना, क्लाउड जैसे बना देते हैं हम। तो अब ये जो वस्तु रखी है इसके ऊपर क्या सिर्फ यहीं पर है क्लाउड? नहीं ना, यहाँ से देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एकदम लंबवत नहीं है ना। तो अगर जब लंबवत नहीं होता है तो हम एवव का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवर और एवव। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, जो प्लेन है एरोप्लेन वो उड़ा मेरे सर के ऊपर से, यानी कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इधर कोई व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है और प्लेन जो है बिल्कुल इसके ऊपर से उड़ा, इसके सर के ऊपर से उड़ा, तो हमने क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया, ठीक है ना, हमने ओवर लगा दिया। द स्काई इज अबव आवर हेड, अब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो अब जो स्काई है, अब ये स्काई में क्लाउड हैं ये सब इसके कहाँ पर हैं, अबव आवर हेड, यानी इसके सर के ऊपर हैं, तो हमारे सबके सर के ऊपर क्या है, स्काई है। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको ओवर और अबव में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहाइंड आफ्टर, देखो बिहाइंड और आफ्टर दोनों का ही मतलब क्या होता है, पीछे। अब बिहाइंड का मतलब पीछे और आफ्टर का के पीछे, के बाद, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, उसने पीछे नहीं देखा। द डॉग वॉक बिहाइंड इट्स मास्टर, डॉग जो है वॉक कर रहा था अपने मास्टर के पीछे, ठीक है। यहाँ पर हमने बिहाइंड यानी एक के पीछे एक, तुरंत उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है दिख नहीं दे रहा, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बिहाइंड हो गया। द कॉन्स्टेबल रन आफ्टर द आफ्टर अ थीफ, तो जो कॉन्स्टेबल था वो दौड़ा एक थीफ के पीछे, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आफ्टर लगाया, ठीक है। के बाद या के पीछे के अर्थ में आ रहा है तो हम आफ्टर लगाएंगे। शी केम आफ्टर सनसेट, वो सनसेट के बाद आई, ठीक है। तो ये बिहाइंड और आफ्टर का यूज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको काफ़ी सारे इसके रूल यूज़ समझा दिए प्रपोजिशंस के, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।